गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सीरीज एलसीआर सर्किट शुरू कर लिया था क्लास में। उससे पहले हमने सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और एलसीआर सर्किट में भी हमने वेक्टर डायग्राम बना के करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। कि हमने कंडीशन मानी थी कि जब VL VC से बड़ा हो, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। और उसके बेसिस पे हमने करंट की वैल्यू पता कर ली थी कि जो करंट थी वो 5 फेज डिफरेंस पीछे थी, मतलब करंट की वैल्यू आई थी I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t माइनस 5। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई थी लास्ट क्लास में, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। आपने इंपीडेंस का फार्मूला सॉल्व कर लिया था, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर फॉर सीरीज LCR सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए जेड की वैल्यू थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। कंडीशन थी वीएल की वैल्यू वीसी से बड़ी, और उसके बाद हमने फाई भी कैलकुलेट कर लिया था। फाई का फॉर्मूला था जो फेज डिफरेंस था वोल्टेज और करंट के बीच, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। आज हम इसके इंपीडेंस डायग्राम, फेजर डायग्राम और एक जो साइनसॉइडल डायग्राम वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनसॉइडल डायग्राम। साइनसॉइडल डायग्राम देखो, साइनसॉइडल डायग्राम बनाना हमें वोल्टेज और करंट दोनों की, सेम प्रोसेस है। एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, वाई एक्सिस पे वी एंड आई, दोनों पे एक साथ बनाएंगे तो वी और आई दोनों दिखेंगे। वोल्टेज की इक्वेशन हुआ करते बेटा V equals to Vm sin omega t, ग्राफ आपका यही था V equals to Vm sin omega t। उसके बाद अपन करंट की बात करें तो करंट की इक्वेशन Im sin omega t minus 5, 5 फेज डिफरेंस पीछे है। मैं बोलूं वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो तो Vm आपकी, माइनस में माइनस Vm, और करंट जो है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे है, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। माइनस आई एम यहां ले लो, प्लस आई एम, आई एम की वैल्यू वी एम बाई जेड, वी एम बाई जेड एलसीआर जो भी था जेड, तो 5 फेज डिफरेंस पीछे होने का मतलब ग्राफ जो है करंट का वो नीचे से स्टार्ट होगा। जीरो कहां होगा वो डिपेंड करेगा फाई की वैल्यू पे, कि फाई की वैल्यू कितनी है। तो अपने को वैल्यूज नहीं रखनी है, ऐसे बनाना है डेटा। ये अपना करंट का ग्राफ हो गया आई का, ठीक है ना, ये हमने करंट के लिए ग्राफ बना लिया। तो ये हमारे साइनसॉइडल डायग्राम। सेकंड जो है वो फेजर डायग्राम, सेकंड देखो बेटा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत आसान होता है। फेजर डायग्राम वोल्टेज के लिए बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया VR, ये y एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। ध्यान से देखो, V LCR सर्किट पढ़ रहे थे, प्योर R के केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है। अब कैसे दिखाओगे वोल्टेज और करंट, जैसे सपोज मैंने VR R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉ करो वो x एक्सिस में दिखाया, ठीक है ना, या x एक्सिस पे तो उसमें दिखा देते हैं। ओमेगा टी एंगल पे ले लो, ओमेगा टी एंगल पे इधर ले लो VR, कितने एंगल पे ओमेगा टी, ठीक है। तो क्या करंट भी इसी डायरेक्शन में दिखाओगे आईएम, वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे। प्योर आर के केस में हमने सीखा फर्स्ट सर्किट में हमने ऐसा सीखा था कि आर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो आपने ओमेगा टी एंगल पे, इंस्टेंट टी पे हम बात कर रहे हैं, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी होगा। उस कंडीशन में वी आर और आईएम दोनों एक डायरेक्शन में दिखेंगे। अगर हम बात करें एल की, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे होता है, तो VL L के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे, मतलब इस डायरेक्शन में दिखाओगे आपको VL इस डायरेक्शन में दिखाना होगा। और अगर अपन प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, तो वो जस्ट पीछे दिखाओगे आप ऐसे VC। अब आपके पास कंडीशन है VL की वैल्यू VC से बड़ी है, तो इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर किधर होगा बेटा, ध्यान से सोच के देख, इन दोनों का रिजल्टिंग जो है वो इस डायरेक्शन में होगा VL minus VC, इन दोनों का रिजल्टिंग VL minus VC इस डायरेक्शन में दिखाना होगा, बिकॉज
VR is greater than VC, तो वो आपको इस direction में होगा। हाँ, VR minus VC और VR का net voltage जो है वो इस direction में होगा। VLCR, भाई हमें इन दोनों का vector addition करना, बीच का angle pi by 2 है, तो VLCR इसी direction में होगा। Current से 5 phase difference आ गई, ये वाला angle 5 लेना है, और फिर parallelogram draw करना। ये बन गया phasor diagram, ये बन गया आपका phasor diagram, जिसको omega से मैं rotate कर सकता हूँ, omega angular velocity से इसको rotate कर सकते हैं। दोबारा समझो बेटा, RLC, R के केस में voltage और current के बीच phase difference 0, दोनों को एक ही direction दिखाया, omega t angle पे, x axis से omega t angle पे। उसके बाद हम बात करें L की, तो L जो है, L के केस में voltage जो है वो current से pi by 2 phase difference आगे, ये वाला angle pi by 2, ये वाला angle कितना है? pi by 2, VL आपने इस direction में दिखाया। फिर C के केस में हमने सीखा कि current lead करती है voltage से, तो voltage pi by 2 phase difference पीछे होता है, ये वाला angle pi by 2, VC। अब आपके पास condition थी VL की value VC से बड़ी है, तो VL VC से बड़ी है, तो इन दोनों का net इसी direction में होगा, VL minus VC। अब उसके बाद VL minus VC और VR का net resulting vector निकालना, VLCR वो इस direction में 5 phase difference पे, उसको कितने पे मान लिया? 5 पे। तो ये वाला angle आपने 5 लिया, और आपको पता है voltage current से 5 phase difference आगे, तो current 5 phase difference पीछे, तभी तो minus 5 आता है। और फिर हमने parallelogram draw कर लिया, ये आपका हो गया phasor diagram for series LCR circuit when condition आपकी है VL is greater than VC। अब आपका बचता है impedance diagram, अब हम बनाते हैं impedance diagram। देखो ध्यान से, तीसरा था इसमें impedance डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन में है कि जब VL VC से बड़ा हो, तो ध्यान से देखो, x एक्सिस के आप R डिनोट कर लोगे, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, आपने किस डायरेक्शन में R को डिनोट कर लिया, तो क्या XL इस डायरेक्शन में होगा ऊपर की तरफ, और XC किधर होगा? नीचे की तरफ। कंडीशन वही है, XL VL VC से बड़ा, तो XL XC से बड़ा होगा, XL की वैल्यू किससे बड़ी होगी? XC से, XL is greater than XC, तो इन दोनों का नेट किधर होगा? ऊपर की तरफ, जिसको अपन XL minus XC से डिनोट करेंगे। अब XL minus XC और R का नेट रिजल्टिंग वेक्टर ZLCR इस डायरेक्शन में दिखाएंगे 5 फेज डिफरेंस पे। फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो और ZLCR की वैल्यू पूछे आपसे, तो R का और XL minus XC का वेक्टर एडिशन करना है, क्या होगा फार्मूला? बीच का एंगल pi by 2 है टोटल, ये वाला एंगल कितना है? pi by 2, ZLCR equals to R square plus XL minus XC का whole square, आगे वाले टर्म देखेंगे नहीं, cos pi by 2 0 होता है इसलिए, और देखो ZLCR यही का फार्मूला। मैं आपसे पूछूं phi की वैल्यू, तो इस वाले ट्रायंगल में tan phi लगा दो, tan phi का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया XL minus XC, ये वाली साइड, बेस आपका आपका हो गया R, तो XL minus XC upon R, पाई कितना हो जाएगा? tan इनवर्स xl minus xc by r, पाई की वजह आपके पास वही आ गई जो पहले आपने कैलकुलेट करी थी, xl minus xc by r, ये वैल्यू जब अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था वेक्टर डायग्राम से, इंपेडेंस और phi जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच, वो हमने वेक्टर डायग्राम से, वोल्टेज का जो वेक्टर डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, उससे ही हमने कैलकुलेट कर लिया था, और इंपेडेंस डायग्राम से भी वही आया। ये थी हमारी सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए एक कंडीशन, जब वीएल की वैल्यू वीसी से बड़ी होगी तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी होगी, उसके इसमें आपने साइनसोइडल डायग्राम भी बना लिया, फेजर डायग्राम भी बना लिया, इंपेडेंस डायग्राम भी बना लिया, और करंट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इंपॉर्टेंट इजी था। तो अगर सीरीज एलसीआर सर्किट पूछता तो यहीं तक। अब इसमें दो स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस की बात करें तो अब कंडीशन चेंज कर दो, कि जब पहले आपने VL को VC से बड़ा बना, अब मैं बोलूं VC VL से बड़ा, VC VL से बड़ा हो, उस कंडीशन में सारे वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़े, ठीक है ना, तो इजी होती है, आप वेक्टर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फेजर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, सीरीज एलसीआर सर्किट के स्पेशल केसेस, फर्स्ट
when VC is greater than VL. C के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा हो, कंडीशन ये है। ये तभी पॉसिबल है जब XC की वैल्यू XL से बड़ी हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सबसे पहले मैं वेक्टर डायग्राम की बात करूं, वेक्टर डायग्राम की बात करें और उसके बाद अपन साइनसोइडल फेजर डायग्राम और इंपेडेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देख बेटा, एक्स एक्स, वाई एक्स और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में आपने वी आर दिखाया तो क्या आई एम भी इधर ही होगा? करंट और वोल्टेज आर के केस में सेम फेज में होते हैं तो एक्स एक्स में दिखा दिया। क्या वी एल करंट से इस कंडीशन में वी एल ऊपर होगा? एल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो करंट से आगे होगा तो ऊपर दिखाना होगा और VC आपका नीचे की तरफ। अब आपने कंडीशन बोला है VC VL से बड़ा हो तो इन दोनों का नेट किधर होगा? नीचे की तरफ। VC माइनस VL, दोनों का नेट नीचे की तरफ। अब VC माइनस VL और VR का नेट इस डायरेक्शन में VLCR कितने एंगल पे? फाइव एंगल पे। और फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ठीक है? तो VLCR इस डायरेक्शन में। अब आपने देखो VLCR की वैल्यू भी फाइंड आउट करी हुई है, इंपेडेंस भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है? तो इंपेडेंस कितना आता है इस केस में? Z equals to Z LCR की वैल्यू आपने जो सॉल्व करी थी उसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी Z LCR? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका Z LCR सॉल्व होगा, ठीक है? मैं पूछूं phi कितना होगा इस कंडीशन में? tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, बस यही चेंज होगा थोड़ा सा। मैं पूछूं आपसे कि वोल्टेज आगे होगा कि करंट? आप बोलोगे सर करंट आगे, फाइव फेज डिफरेंस। देखो रिजल्टिंग वोल्टेज VLCR इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, कौन आगे है? फाइव फेज डिफरेंस करंट। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा t प्लस फाइव, साइन इक्वल्स आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा t प्लस फाइव। सबसे पहले साइनसोइडल डायग्राम, साइनसोइडल डायग्राम देखोगे आप तो V एंड I दोनों के लिए बनेंगे। V एंड I x x पे t लिया हुआ है, वोल्टेज का तो ये रहा, वोल्टेज का ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है ना? पीक वाली वोल्टेज की Vm और माइनस में माइनस Vm। करंट की फाइव फेज डिफरेंस आगे है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होना है। Im ले लिया यहां पे और यहां पे माइनस आई है, कहां पे जीरो होगा वो डिपेंड करेगा फाइव की वैल्यू पे। आपको ग्राफ ऐसे ही दिखाना है, ये आपका ग्राफ हो गया आई के। साइनसोइडल डायग्राम बहुत इजी होता है, आपको इसमें वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है V equals to Vm sin omega t का ये होगा, करंट फाइव फेज डिफरेंस आगे तो ऊपर से स्टार्ट करके बना दो। कहां जीरो करना ये वैल्यू डिपेंड करती है फाइव पे, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी कितनी है, ठीक है? इसको हम मेजर कर सकते हैं, जब XL XC R की वैल्यू पता हो तो कितना एंगल होगा वो अपन देख लेते हैं। अब फेजर डायग्राम, इसी में फेजर डायग्राम बनाना है अपने, ठीक है? तीसरा हमारा होगा फेजर डायग्राम। ये वेक्टर डायग्राम हो गया, ये आपका साइनसोइडल डायग्राम हो गया, अपन बात करें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम x-axis, y-axis, negative x-axis, negative y-axis, VR को मैंने करंट की डायरेक्शन में दिखाया omega t एंगल पे। बताओ VL pi by 2 फेज डिफरेंस आगे, VC pi by 2 फेज डिफरेंस पीछे, ये वाला एंगल pi by 2 और ये वाला एंगल भी pi by 2। आपने कंडीशन लगाई है VC VL से बड़ा है तो VC और VL का रिजल्टिंग किधर होगा? नीचे की तरफ, VC minus VL। अब VC minus VL और VR का नेट रिजल्टिंग या कैलकुलेट करना चाहिए तो वो किधर होगा? बीच में नहीं, VLCR, VLCR। और फिर हम बोलेंगे कि कितना फेज डिफरेंस पीछे है, ये वाला एंगल हो गया 5। पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, फेजर डायग्राम कंप्लीट। एक बार सीख लेते हो ना किसी का भी, आपको पता चल रहा VLCR I से 5 फेज डिफरेंस पीछे, मतलब I जो है 5 फेज डिफरेंस आगे और आई पे 5 फेज डिफरेंस आगे। इसी तरह से अपन इंपेडेंस डायग्राम बना लेते हैं।
इंपीडेंस डायग्राम आपका नीचे ही बनेगा, जैसे आपने VL is greater than VC वाले कंडीशन में बनाया, वैसे ही VC is greater than VL वाले में अपन इंपीडेंस डायग्राम बना लेते हैं। तो ये सेकंड ईयर में बोलूं फर्स्ट केस था, जो इससे पहले वाला केस दिया था VL is greater than VC, उसमें तो अपने को पूरा डेरिवेशन दिखाना है, उसके बाद ये फर्स्ट केस मान लेते हैं। सेकंड केस में जब ये दोनों इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट, और वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वो अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर लेते हैं। Resonance LCR circuit, ऐसे देखो। या LCR circuit resonance condition में क्या होता है? When VL is greater than, sorry, when VL is equal to VC. In series LCR circuit. In series LCR circuit, when VL equals to VC, L के across potential drop equals to C के across potential drop, VL equals to VC, in series LCR circuit, when VL equals to VC, then this condition is called resonance condition of series LCR circuit. In series LCR circuit, when VL equals to VC, then this condition is called resonance condition of series LCR circuit. देखो, VL equals to VC हो, L के across potential drop equals to C के across potential drop, दोनों की value same हो, तो VL की value आप लिखते हो IXL, अगर coil का inductive reactance XL हो तो IXL, और capacitive reactance XC हो तो ये कितना हो गया IXC, I से I, condition क्या आ गई आपके पास, XL equals to XC, और जब XL XC के equal होगा, XL को अपन क्या लिख सकते हैं, omega L, XC को क्या लिख सकते हैं, 1 upon, यहां से मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूंगा रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, तो ओमेगा ऊपर चला गया, ओमेगा स्क्वायर एल नीचे आ गया, आपके पास कंडीशन आ गई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एलसी, बोथ साइड अंडर रूट ले लो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, और ये होती है आपकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा आर से डिनोट कर देते हैं, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड ही होती है, ओमेगा को क्या बोलेंगे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये तो हमारे पास आई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उस कंडीशन में ओमेगा आर को लिखा जाएगा 2 पाई एफ आर, ओमेगा आर का फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, तो मैं ओमेगा आर की जगह 2 पाई एफ आर पुट करूं, तो 2 पाई एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल इनटू सी, अगर मैं एफ आर कैलकुलेट करना चाहूं तो 2 पाई अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इनटू सी, इसकी यूनिट हर्ट्ज होगी, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको इक्वेशन पास दे दो इसको सेकंड, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है ना, जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल होती है उस कंडीशन में ये वैल्यू निकल जाती है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इस केस में इंपीडेंस कितना होगा, इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन कंडीशन, इस वाली कंडीशन में, तो Z equals to under root of R square plus XL minus XC का whole square, 0,
क्योंकि xr तो xc के इक्वल है, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर का अंडर रूट r आ जाएगा। इस केस में इंपेडेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। किसके इक्वल होगा? r के इक्वल होगा। z क्या होगा? मिनिमम होगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? r। जब रेजोनेंस कंडीशन में होता है सीरीज LCR सर्किट, तो उस कंडीशन में आपकी इंपेडेंस मिनिमम होती है, तो क्या करंट मैक्सिमम होगी? इस केस में जो करंट होगी वो क्या होगी? Im की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी? Vm by R। चैट मिनिमम कितना आपके पास? R, R पुट कर देंगे। या मैं करंट की RMS करंट पूछूं, तो IRMS मैक्सिमम होगी इस कंडीशन में, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? VRMS by R। ये फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल इजी होता है फॉर्मूला। IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन R। तो अब आपने करंट की वैल्यू पता कर ली, इंपेडेंस भी पता कर ली। अब इसमें छोटे छोटे दो ग्राफ है, एक तो इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच, और एक करंट की आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, ठीक है ना? तो दो ग्राफ और देखो, फर्स्ट जो ग्राफ है वो आपका है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ली हुई है f, और वाई एक्सिस में इंपेडेंस ओम, ठीक है? तो आपके पास इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के, मैं लिखूं ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जैसे जैसे मैं ओमेगा की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो एक बार इंपेडेंस आपका डिक्रीज होगा, ठीक है ना? पहले मिनिमम पे जीरो था, और डिक्रीज होके रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ये जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यहां पे मैं मान लूं कि कंडीशन रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली है, इस पे आपका इंपेडेंस मिनिमम होगा एक बार, जेड मिनिमम, उसके बाद वापस से इंक्रीज करना शुरू करता है। तो यू सेट पे सेट ग्राफ बनेगा जब जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनेंगे, वैल्यूज रख के देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाते हो, इधर एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी ली है, इधर करंट की आईआरएमएस वैल्यू, तो इसमें जस्ट उल्टा होगा कि जब आपका इंपेडेंस मिनिमम होता था तो करंट मैक्सिमम, तो इंपेडेंस मिनिमम कहां पे? यहां पे। इस कंडीशन में आपके करंट मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब पहले करंट आपकी इंक्रीज करेगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज करेगी। तो कहां पे मैक्सिमम हुई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफआर पे। कितनी होगी करंट? आईआरएमएस मैक्सिमम, आईआरएमएस मैक्सिमम। उल्टा सोचना है कि जब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और रेजिस्टेंस मिनिमम कब है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर उनको करंट मैक्सिमम दिखानी, आईआरएमएस मैक्सिमम। ग्राफ इससे जस्ट उल्टा बन गया। इस तरह से बेटा हमने रेजोनेंस एलसीआर सर्किट भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसका एनालिटिकल मेथड, सीरीज एलसीआर सर्किट का एनालिटिकल मेथड, उस मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे करंट की वैल्यू विदाउट फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।